भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर मनीष सिसोदिया जी को तिहाड़ के एक नंबर जेल में रखा गया है। हमें पता चला है कि एक नंबर जेल में दुर्दांत अपराधियों को रखा जाता है, जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर कई सारी हत्याओं के, बलात्कार के, जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जो सजायाफ्ता हैं कई वर्षों से, जिनको उम्र कैद है कई वर्षों से। ऐसे कैदियों के बीच कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, उसे दरकिनार करके, भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को एक नंबर जेल में रखा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि सीबीआई के जरिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मनीष जी को मेंटली टॉर्चर कर रही है। मनीष जी ने भी बताया कोर्ट में कि उनको, उनके ऊपर दबाव बना के झूठा कबूलनामा साइन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जबकि कोर्ट ने कहा है कि जेल के अंदर मनीष जी को विपश्यना वार्ड में रखा जाए, कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार करके भाजपा ने उन्हें दुर्दांत अपराधियों के बीच में, खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच में एक नंबर जेल में रखा हुआ है। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति को किस घटिया स्तर पर लेकर जा रही है। मनसा क्या है भाजपा की? भाई, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि अगर दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आपके राजनीतिक मंसूबे नाकामयाब हुए, गुजरात के अंदर आपके किले में सेंध लगी, दिल्ली की 15 सालों की आपके कब्जे की एमसीडी को आप हार गए, तो क्या अपनी राजनीतिक हार का बदला लेने के लिए आप इतना गिरेंगे, इतना गिरेंगे कि कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर देंगे? विपश्यना वार्ड में मनीष जी को रखने के आदेश को दरकिनार करके और मनीष जी को आप दुर्दांत अपराधियों के साथ एक नंबर जेल में रखेंगे? यह है आपकी राजनीति का स्तर? गलती क्या है भाई?